रवीना की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। परिवार में सास ससुर, एक कुवारी ननद, एक देवर और रवीना का पति हेमंत था। रवीना की शादी के 2 महीने बाद ही ननद रमा की शादी तय हो गई। रवीना बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी के बाद ये घर में पहली शादी थी। रवीना का बहुत मन था कि वो शादी की तैयारियों में हिस्सा ले, लेकिन उसका तो जैसे रूटीन ही बन गया था कि बस सुबह जल्दी उठो, जल्दी जल्दी सारे काम करो और किचन में घुस जाओ, किसी के लिए चाय बनाओ तो किसी के लिए नाश्ता। जब भी वो कभी शादी से संबंधित किसी काम में हाथ लगाती तो सासुमा कहती, तुम रहने दो बहू, तुम्हें अभी इस घर के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता नहीं है। रवीना मन महसूस कर रह जाती। खैर, शादी अच्छे से संपन्न हो गई। समय बीतता गया लेकिन रवीना की स्थिति वैसी ही थी। कहीं आना जाना हो या किसी को कुछ लेना देना हो, हर छोटे बड़े फैसले में सासुमा अपनी बेटी की राय जरूर लेती, लेकिन रवीना को अपनी बात रखने का कोई हक नहीं था। रवीना के ससुर रमेश जी अपनी बहू की मन की स्थिति समझते थे पर कुछ कह नहीं पाते थे। साल भर बाद रवीना के देवर की शादी भी तय हो गई। रवीना की सास ने अपनी बेटी रमा को 15 दिन पहले ही ससुराल से बुला लिया। दोनों मिलकर शादी की तैयारियों में जुट गए। रवीना की बस वही दिनचर्या थी, सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता, घर के काम, मेहमानों की आवभगत। शादी की तैयारियों को देखकर सभी रिश्तेदार और आने जाने वाले यही कहते, अरे वाह सरला, रमा तो बहुत सयानी हो गई है, आते ही शादी का सारा काम संभाल लिया। रवीना की सास भी बड़े गर्व से कहती, हाँ और नहीं तो क्या, आखिर बेटी किसकी है, मैंने तो शुरू से ही हर काम की आदत डाल रखी है, जिम्मेदारी दो तो बच्चे काम भी सीख जाते हैं। रमेश जी ये सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को एक तरफ बुलाकर कहा, सुनो सरला, तुम्हारी बेटी ही नहीं बहू भी बहुत सयानी है, उसने घर के सारे काम संभाल रखे, तभी तुम माँ बेटी सारा दिन बाजार में घूमती रहती हो। जब तक तुम उसे शादी की कोई जिम्मेदारी नहीं दोगी तब तक वो सीखेगी कैसे, बहू भी हमारे घर का हिस्सा है और उसके भी कुछ अरमान है अपने देवर की शादी को लेकर, क्या उसका मन नहीं करता होगा कि वो भी अपनी पसंद नापसंद बता सके या फिर अपने देवर की शादी की खरीदारी में हिस्सा ले। सरला जी को पति की बातों से शायद अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ देर बाद वो रसोई में आई और रवीना से बोली, बहू मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तू रमा के साथ बाजार चली जा और हाँ अपनी देवरानी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियां पसंद करके लाना। माँ की बात सुनकर रमा ने भी खुश होते हुए कहा, अरे वाह भाभी, आपके साथ जाने में तो और मजा आएगा, मम्मी की पसंद तो बहुत ओल्ड फैशन है, दोनों ननद भाभी मिलकर भाई की शादी में धूम मचाएंगे। रवीना के चेहरे पर भी अब शादी का उत्साह नजर आ रहा था। दोस्तों, ये हर घर की कहानी है जहां बेटी को समझदार और बहू को ना समझ समझा जाता है, बस देरी है समझदारी से बेटी बहू दोनों को समान अहमियत देने की। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।